ऑर्थोपेडिक आप सर्जन हैं जी, और एक डॉक्टर और खेल जी, किस तरह का रिलेशन है? नहीं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मतलब मैं जनरली मैं स्पोर्ट्स इंजरी जितने भी पेशेंट होते हैं मैं ज़्यादातर वही देखता हूँ, लिगामेंट टियर हुआ या हड्डी से रिलेटेड हुआ है। तो मेरे पास बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, अभी भी आते हैं सिवान में। तो मेन है कि प्लेयर लोगों का जो दौड़ने का मूवमेंट का इसमें इंजरीज होती रहती हैं, तो मैं उन लोगों को सलाह भी देता रहता हूँ कि कैसे खेलना है, कैसे अपने आप को फिट रखना है। फुटबॉल टूर्नामेंट है, एक बहुत ही प्रेमी थे बड़हरिया के यूनाइटेड क्लब के स्वर्गीय नरेश शाह, जो अभी वर्तमान मुखिया वीरेंद्र शाह के पिता थे, उन्हीं के यादगार में ये कल का टूर्नामेंट जो लेडीज मैच है उसको कराया जा रहा है उनके यादगार में। सिवान और मुजफ्फरपुर के बीच, सिवान और मुजफ्फरपुर की लड़कियां हैं वही खेलेंगी। और हमारी मैडम जो है हेना साहब, उनके संरक्षण में ये टूर्नामेंट चला। यूथ आईकॉन ओसामा साहब के संरक्षण में ये टूर्नामेंट चला, और हम लोग एक कड़ी हैं जो उनके साने बसाने हम लोग रह के इस टूर्नामेंट को कराए। 28 तारीख को आगमन होगा हिना शाह जी, बिल्कुल 28 तारीख को तैयारी है, बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है 28 तारीख के उनके आगमन का। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। तमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान, तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। खेला जाएगा आज, चीफ गेस्ट आप ही हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है बढ़िया के इस ग्राउंड पे, ब्लॉक वाले ग्राउंड पे, तो टूर्नामेंट को बढ़िया चेक करा रहे हैं। मेरे खालू हैं, हमारे मनीर खालू को करवा रहे हैं, उनके सजने से हो रहा है ये, और अच्छा लगता है। खेल में रुचि रखना मुझे पसंद है, तो मैं आता हूँ जब भी खेल होता है, तो आज भी आया हूँ मैं, इंशाल्लाह आगे भी आता हूँ। क्रिकेट में भी आप उसी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं, फुटबॉल में भी उसी तरह? जी, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या टेबल टेनिस हो, कोई भी खेल हो, खेल में मेरा रुचि रहता है। मैं चाहता हूँ यंगस्टर ज़्यादा से ज़्यादा खेल खेलें और अपने आप को फिट रखें। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि खेल में हमेशा मैं प्रोत्साहन करता हूँ कि खेल आगे बढ़े, खेल। अच्छा, ऑर्थोपेडिक आप सर्जन हैं जी, और एक डॉक्टर और खेल जी, किस तरह का रिलेशन है? नहीं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मतलब मैं जनरली मैं स्पोर्ट्स इंजरी जितने भी पेशेंट होते हैं मैं ज़्यादातर वही देखता हूँ, लिगामेंट टियर हुआ या हड्डी से रिलेटेड हुआ है। तो मेरे पास बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, अभी भी आते हैं सिवान में। तो मेन है कि प्लेयर लोगों का जो दौड़ने का मूवमेंट का इसमें इंजरीज होती रहती हैं, तो मैं उन लोगों को सलाह भी देता रहता हूँ कि कैसे खेलना है, कैसे अपने आप को फिट रखना है। तो मजबूत रहने के लिए खेलना, फुटबॉल खेलना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत, कोई भी खेल जरूरी है। मेनली जॉगिंग करना या वॉक करना बहुत जरूरी है, मतलब फिटनेस के लिए भी, हड्डी आगे के लिए मजबूत रहे, लॉन्ग टर्म तक आदमी 60 70 80 90 साल तक यंग फिट रहे, तो उसके लिए खेल कूद प्लस वॉकिंग ये बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ के जो भी आयोजक करता है जी, इरफान साहब हैं, मोहम्मद साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लो सब मेरे अपने लोग हैं, मेरे तो जो मुमबिन है, मेरे खालू हैं, तो इनके प्यार से ही सब कुछ अपने होता है। और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा टूर्नामेंट, इतने बड़े लेवल पर टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया है। तो मैं चाहता हूँ हर साल ये टूर्नामेंट हो और हमारा सिवान, हमारा बढ़िया इसी क्षेत्र में कम से कम फुटबॉल के क्षेत्र में ही और आगे बढ़े। अच्छा, ओसामा साहब और हिना साहब इस टूर्नामेंट के मुख्य संरक्षक हैं जी, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा लगता है जो डॉक्टर महोदय शहाबुद्दीन साहब हैं, उनके मेमोरियल के टूर्नामेंट हो रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग कराते रहें। वो बहुत अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए और आगे भी होती रहेगी इंशाल्लाह। जी मुबीन साहब जी, क्या कहेंगे? अब तो ये लास्ट दौर से गुजरता हुआ दो दिन में ख़त्म हो जाएगा। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए सबसे पहले मैं इस बस्ती के, मैंने मुर्गिया टोला के लड़कों का, बच्चों का और उम्रदराज लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आज तक इस तरह का टूर्नामेंट इतना शांतिपूर्वक, इतने हजारों हजार के तादाद में लोग जुटे, लेकिन इस बस्ती का देन है कि बहुत शांतिपूर्वक मैच हुआ और बहुत ही बढ़िया से लोगों ने अपना अपना इंजॉयमेंट किया खेल को देखकर। जी, कल के बारे में, कल महिला फुटबॉल, कल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है, एक बहुत ही प्रेमी थे बढ़हरिया के यूनाइटेड क्लब के स्वर्गीय नरेश शाह, जो अभी वर्तमान मुखिया
बीरेंद्र शाह के पिता थे, उन्हीं के यादगार में ये कल का टूर्नामेंट जो लेडीज मैच है उसको कराया जा रहा है उनके यादगार में। सिवान और मुजफ्फरपुर के बीच, सिवान और मुजफ्फरपुर की लड़कियां हैं वही खेलेंगी। ठीक, बहुत जी खान साहब जी, अब तक के एक बार आप अपडेट बता दीजिए, आज तो लग रहा है कि दुर्गापुर जीती ही जाएगी। नहीं, जीती ही नहीं जाएगी, जीत गई खत्म। टाइम भी कम है और 4-0 से टीम बढ़त बनाई हुई है। हाँ, तो वो टीम जीतेगी, यानी 28 तारीख को दुर्गापुर और दिल्ली के बीच जी फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे, अब ये टूर्नामेंट अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है। नहीं, बहुत अच्छा हुआ, अब बहुत अच्छा से हम लोग ऑर्गेनाइज करके इसको भोजपुरी में कहा जाए तो पार घाट लगा दिए हम लोग, बहुत अच्छा अच्छा हो गया और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हम लोग का रहा, सफल रहा और सबका योगदान भी रहा। हाँ, और सबको तहे दिल से बड़िया वासियों को और दूर दराज से मेरे जो भी दोस्त हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सारे लोग आए, कोऑपरेट किए और हमारी मैडम जो हैं हेना साहब उनके संरक्षण में ये टूर्नामेंट चला, यूथ आईकॉन ओसामा साहब के संरक्षण में ये टूर्नामेंट चला और हम लोग एक कड़ी हैं जो उनके साने बसाने हम लोग रह के इस टूर्नामेंट को कराए। 28 तारीख को आगमन होगा हिना शाह। जी बिल्कुल, 28 तारीख को तैयारी है, बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है 28 तारीख के उनके आगमन का और उम्मीद कर रहे हैं कि हेना साहब और ओसामा साहब दोनों आदमी आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए बिल्कुल, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर अलग अंदाज की टीम दिखा रही है। फिर से एक बार हम बता दें, यानी आज की जो विजेता होगी वो दिल्ली के साथ 28 तारीख को दिन के 2 बजे से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 तारीख को खेला जाएगा। और इसी के साथ बिल्कुल आप देख सकते हैं दुर्गापुर 4-0 से विजयी हुई, यानी आज का जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दुर्गापुर और आसनसोल के बीच खेला जा रहा था जिसमें दुर्गापुर ने 4 गोल से इस मैच को जीत लिया है और फाइनल मुकाबला दुर्गापुर और दिल्ली के बीच खेला जाएगा। और कल यानी 27 तारीख को महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें आपका सिवान और मुजफ्फरपुर के बीच खेला जाएगा। तो चलिए बने रहे, देखते रहे।